आगे बढ़ते हैं और शुक्रवार को देख लेते हैं कि जो संस्थागत निवेशक हैं उन्होंने क्या किया, क्योंकि ट्रेडिंग एक्टिविटीज अगर आप देखें तो शुक्रवार को जो संस्थागत निवेशक हैं इन्होंने कैश मार्केट में देखें तो 2132 करोड़ की खरीदारी की है, और जो DIIs हैं यहाँ पर अगर आप देखें तो 1168 करोड़ की जो है बिकवाली इन्होंने की है। वायदा बाजार की बात की जाए तो जो आंकड़े टोटल निकल कर आ रहे हैं वो नेट बाय आ रहा है 8296.97 करोड़ के आसपास का। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो जो विदेशी निवेशक हैं FIIs हैं वो 2132 करोड़ के आंकड़ों के साथ यहां पर खरीदारी करते हुए शुक्रवार को नजर आए हैं। तो चलिए अब जो DIIs और FIIs की एक्टिविटी है और साथ में जो ग्लोबल सेटअप है इसे विस्तार से समझते हैं और ये भी समझते हैं कि आज के सेटअप की कैसे करनी है आपको तैयारी। और ये बताने के लिए देखिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, और इनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से आज बाजार का जो सेटअप है और साथ में जो ग्लोबल मार्केट्स के अपडेट देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि फिलहाल अगर आप SGX निफ्टी को देखेंगे तो 18 से 19 अंकों की जो तेजी है वो आपको नजर आएगी, और विदेशी निवेशक लगातार बाय मोड में, लगातार इनकी तरफ से अगर आप देखें तो लंबे समय से खरीदारी का आंकड़ा आ रहा है। हालांकि ये भी एक थोड़ी सी चिंता की बात है कि जो DIIs है वो 1168 करोड़ की जो बिकवाली का आंकड़ा है वो आया। तो चलिए समझ लेते हैं कि आज के लिए निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए क्या लेवल है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आशीष। वाकई में आज मंडे मॉर्निंग कह सकते हैं गुड होने वाली, क्योंकि संकेत बेहतर है इसमें कोई डाउट नहीं है, और भारतीय बाजार पिछले हफ्ते अच्छी मजबूती दिखाकर 18,000 के बेहद करीब पहुंचे हैं। लगातार दो दिन से 17,800 के ऊपर बंद हो रहे हैं, और आज कोई ऐसा कारण है नहीं जिसकी वजह से आप ये सोचे कि बाजार और आगे नहीं बढ़ेंगे, यानी कि तेजी का रुझान। पहले मैं आपको लेवल बता दूं, जो सपोर्ट लेवल है 17,725-17,800, ये अब आज के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 17,925-18,000 इस रेंज में जाने की कोशिश निफ्टी की होगी। तो ये एक बढ़िया ऊपर की रेंज है जहां तक जाने की कोशिश कर सकता है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 40,275, ये बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 40,750 से लेकर 40,875 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। सो ओवरऑल खरीदारी का रुझान रखना चाहिए, अगर सुस्त शुरुआत हो या हल्की फुल्की कमजोरी के साथ शुरुआत हो, क्योंकि एग्जिट निफ्टी काफी सारा इसे सुस्ती दिखा रहा है, अगर नीचे खुले या एकदम फ्लैट खुले तो खरीदारी का मौका होगा आपकी, कोई डाउट नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, पहली चीज तो ये होगी। दूसरा ये कि कैश मार्केट के स्टॉक्स में भरपूर एक्शन रहेगा, तो वहां पर भी आपको तेजी करनी चाहिए, बिल्कुल खरीदारी के साथ बने रहना चाहिए। तो चिंता की कोई बात नहीं है, खरीदारी के रुझान के साथ हफ्ते की शुरुआत करें, पॉजिटिव बायस रहेगा मार्केट का, और ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा 18,000 के आसपास शायद प्रॉफिट बुकिंग आए हल्की फुल्की, उसे पार करने के लिए एक आध दिन का इंतजार करना पड़ सकता है, बट रुझान तेजी की तरफ ही है। तो रुझान जो है तेजी की तरफ है। शुक्रिया सर ये सेटअप हमें समझाने के लिए।